गुड मॉर्निंग और क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट का अर्थ होता है भूतकाल जो बीत गया है। बीता हुआ कल बारे में आप इसमें भी चार पार्ट्स होते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फर्स्ट आज पढ़ेंगे हम कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए इस टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, आल्सो नोन एज द सिंपल पास्ट टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्रिया के साथ आया, गया, रोया, सोया, ली, दी, की, ठीक, आता है। इस सब्जियां पहले भूतकाल में अगर जाएंगे हम तो किस प्रकार होता है कि उसने ये ले लिया, दे दिया, गया, इस प्रकार, ठीक। अब सकारात्मक वाक्य में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखना, आप लोग वर्ब में आपको क्या लगाना प्लस सेकेंड फॉर्म के सभी तरह के वाक्यों में नेगेटिव एंड प्रोग्रेसिव है सेंटेंस में सभी के स्थान डिड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। अब रूल्स पढ़िए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहला सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा, दूसरा नेगेटिव सब्जेक्ट डिड नॉट लगेगा, नेगेटिव के लिए नॉट आता है और डिड भी लगेगा, तीसरा इंट्रोगेटिव के लिए हु whom डिड सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, वे टहलने के लिए गए, तो दे वेंट आउट फॉर ए वॉक, ठीक। वेंट मतलब वर्ब, इसमें वर्ब था आपको बताएं वर्ब था गो, सेकंड फॉर्म है डब्ल्यू ई एन टी वेंट और थर्ड फॉर्म आएगा गॉन, ठीक है। तो वर्ब की आपको लेना है क्या सेकंड फॉर्म, ठीक, ये वाली। तो they went out for a walk, ठीक। सेकंड उसने एक पत्र लिखा, तो he wrote, मतलब पहला फॉर्म था वर्ब का w r i t e, write था, सेकंड फॉर्म था w r o t e, wrote, ठीक। तो ये he wrote a letter, थर्ड उन्होंने अपने दोस्तों के साथ खेला, they इसमें शब्द आया play, तो p l a y play first form है, then second form is a play, P-L-E-Y-E, खेला, ठीक। हमने समय पर अपना होमवर्क जमा कर दिया, we submitted, यानी वर्ब है submit, S-U-B-M-I-T-T, submit, तो second form आएगा वर्ब का submitted, S-U-B-M-I-T-T-E-D, E-D इसमें add होगा। नेक्स्ट उन्होंने परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया, दे क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम, ठीक। तो वर्ब है क्वालिफाई, क्यू यू एल आई एफ वाई, क्वालिफाई सेकेंड वर्ब आएगा क्वालिफाइड, क्यू यू एल आई एफ आई ई डी, ठीक है। हमको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, ठीक। तो फर्स्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वाक्य बनाते हैं। चलिए अब आता है नेक्स्ट नेगेटिव यानी नकारात्मक के लिए। पास्ट टेंस में पहला उदाहरण आता, उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, जो हमने अफर्मेटिव में पढ़ा इसमें क्या करेंगे नहीं का प्रयोग करेंगे, है ना। तो बहुत सिंपल है कि उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं, दे डिड नॉट, क्या लगा आपको बताया था ना कि डिड लगाना है और नॉट लगाना है, ठीक। क्वालिफाई फॉर द एग्जाम और वर्ब का क्या है फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या है क्वालिफाई, यू एल आई एफ वाई, ठीक। सेकंड वे समय पर बस नहीं
नेक्स्ट थर्ड वन, उन्हें गिफ्ट पसंद नहीं आए, दे डिड नॉट लाइक द गिफ्ट। ठीक, मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हूं। फोर, मैंने उनका उसका इंतजार नहीं किया, आई डिड नॉट वेट फॉर हिम। वेट क्या है इसमें? इंतजार। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फाइव, उसे फिल्म पसंद नहीं आई, शी डिड नॉट लाइक द मूवी। ये कहलाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आता है इंट्रोवर्टिव। इंट्रोवर्टिव है प्रश्नात्मक वाक्य। फर्स्ट है, क्या आपको किताब पसंद आई? तो क्वेश्चन मार्क, डू यू लाइक द बुक। नेक्स्ट, क्या उसने आखिरी पेज तक किताब पढ़ी? डिड ही रीड द बुक टिल द लास्ट पेज। आखिरी पेज यानी इसमें समय का दिया था, टिल बोलते हैं। क्या उसने अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी? Did he started preparing for his examinations? और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वे अपने घर से क्यों शिफ्ट हुए? Why मतलब क्यों? Why did they shift from their home? क्वेश्चन मार्क। ये कहलाते हैं आज पास्ट टेंस जो है उसके बारे में पढ़ा आपने, सिंपल के बारे में कि आपको इनके वाक्य हर के अफर्मेटिव के, नेगेटिव और इंटरवेटिव के आपको पांच पांच सेंटेंस बनाने हैं और लिखने हैं। ये होमवर्क है आपका, अच्छे से पढ़िए आप, सही पढ़िए। थैंक यू सो मच।